यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया भर्ती अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, असम राइफल भर्ती का टेक्निकल ट्रेडमैन हो या हवलदार क्लर्क हो, कोई भी पोस्ट या कोई भी ट्रेड हो, आपको पता होगा उसका काफ़ी दिनों से क्या है इंतज़ार कर रही सभी दोस्तों सभी के, मतलब जो भी हमें अपडेट मिल रही थी, जो भी सूचना मिल रही थी, या हम असम राइफल के पोर्टल या जो भी हम फ़ोन करके या कॉल करके पूछते थे तो बोल रहे थे अभी 2 महीने या सितंबर में आएगी, अगस्त में, जून जुलाई में जो भी भर्ती है वो आ जाएगी। तो DGR के अंदर भी जो हमारे फौजी भाई है या कोई भी हमारे जान पहचान में उनसे पूछते थे तो भर्ती आ रही है आपकी टेक्निकल ट्रेडमैन की। तो अभी मतलब सूचना सब कुछ यही मिल रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ दोस्तों, चुनाव होते ही क्या हुआ आपको पता होगा, एक शॉर्ट नोटिस निकाला, उसमें CAPF के आधार पर ऑल पैरामिलिट्री फोर्स उन सभी को क्या है मिला दिया, जिसमें आपका क्या है PA की पोस्ट हो गई हवलदार क्लर्क, यानी कि आपका हेड कांस्टेबल, जो कई की फोर्सों में हेड कांस्टेबल और असम राइफल में हवलदार क्लर्क माना जाता, तो इनको क्या सभी को मिलान कर दिया और सभी को क्या है एक ही बार में क्या है इनका सुपड़ा साफ कर दिया। आपको पता नहीं मौका 2 बार या 3 बार 4 बार जो भी हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहा उसको मिल रहा था, लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया एग्जाम से ख़त्म कर दिया। आपको पता होगा वैकेंसी अभी देख ली होगी, तो एक बार ही सारी पैरामिलिट्री फोर्स का एक बार ही रिटर्न हो जाएगा, एक बार ही टाइपिंग, एक बार ही आपका क्या है फिजिकल हो जाएगा, एक ही संस्थान करवाया गया। यानी कि आपको क्या पता है BSF को क्या ये टेंडर मिल गया, इस चीज़ को आपको पूरा ध्यान से पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, ठीक है। और फॉर्म भी आपकी 9 जून से लेकर 8 जुलाई तक फॉर्म में भरे जा रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंटों ने भर भी लिए। तो ये क्या हमको बहुत ज़्यादा निराशाजनक मतलब जो अपडेट है वो मिली। तभी दोस्तों क्या करना हमको, फिलहाल जो हमें तैयारी के हिसाब से मतलब पहले फिजिकल होना उसके बाद रिटर्न होना, तो उसके हिसाब से हमें क्या फॉर्म वगैरह डालना ही पड़ेगा। तो हमको क्या है बहुत बड़ा ये क्या निराशाजनक अपडेट मिली, आपको पता होगा दोस्तों। तो अभी क्या करना, जो फॉर्म डाल रही है तो उसमें भी कोई मतलब दिक्कत ना हो, इस तरह से अपने हिसाब से सही तरीके से क्या फॉर्म डालना है, तो इसमें अच्छी तरह से क्या हमको तैयारी करनी पड़ेगी इसकी। तो इसमें पहले से ज़्यादा मतलब अब ज़्यादा कंपटीशन हेवी हो गया, टफ हो गया। देखिए डिपार्टमेंट कोई भी हो, पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल ने भी क्या है BSF की तरफ मतलब दे दिया सारा डिपार्टमेंट, लेकिन एक असम राइफल डिपार्टमेंट ऐसा था पर सभी पैरामिलिट्री फोर्सों में ये क्या आर्मी के अंडर में काम करता, तो पूरा आर्मी का ही रहता है, रूल रेगुलेशन सब कुछ आर्मी का ही रहता है। ये पैरामिलिट्री एकदम बढ़िया तरीके से काम करा रहा था, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं, 1 महीने के अंदर आपको क्या है पूरा भर्ती प्रक्रिया मिल रही थी, कोई टेंशन नो सरदर्दी थी। अभी क्या इस भर्ती में पूरा टाइम लगने वाला, हर चीज़ में आपको क्या टाइम मिलेगा, लेकिन वैकेंसी क्या है 0, 35 वैकेंसी, SSB में 5 वैकेंसी, इतना बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स 5 वैकेंसी, 115 उसका पीछे बचा हुआ है, और भी देखें तो उनकी भी बहुत कम है वैकेंसी दी है। तो ये फुल नोटिफिकेशन आपने देख लिया दोस्तों, हमें क्या करना है अब फॉर्म अच्छी तरह से उसी हिसाब से भर के और अपना क्या है तैयारी में लगना पड़ेगा दोस्तों। तैयारी आपको पता ही है रिटर्न की अच्छी खासी करनी पड़ेगी, मतलब रनिंग का इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं रहेगा, 6.5 मिनट दे रहे हैं दोस्तों। तो ये वैकेंसी आपकी देखिए दोस्तों, हवलदार क्लर्क की जो है BSF CRPF ITPP CISF और SSB असम राइफल। तो असम राइफल में क्या दोस्तों आपकी जनरल की 16 वैकेंसी है, EWS की 3 है, ये क्या है आपकी सभी जो OBC की 9 है और SC की 5 है और ST की 2 है, और 35 वैकेंसी टोटल हो गई। तो इसमें सारी टोटल वैकेंसी में क्या कट ऑफ क्या रहने वाली दोस्तों, पूरी पूरी ऑल इंडिया ही रहने वाले, जिस कैंडिडेट ने अच्छा खासा मतलब OBC में जो टॉप करता है, यानी कि 10 गुना पास करते हैं, तो 10 गुना में आपको पता है 100 कैंडिडेट या 90 कैंडिडेट पास होंगे, आपको होता है रिटर्न में, तो 90 कैंडिडेटों में क्या हमको नंबर लाना पड़ेगा। तो अच्छा खासा पीछे ही कट ऑफ देखते हैं तो होश उड़ रहे हैं हमारे। तो दोस्तों हमको इस तरह से आपको क्या है तैयारी करनी है, तो हमें ये आशा नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा दुखजनक आपको ये सोचना पता मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो भी है दोस्तों, जो और जो पैरामिलिट्री फोर्स जो और भर्ती आ जाए उस हिसाब से सब कुछ दिया हुआ है, तो एक बार नोटिफिकेशन देख के अपने हिसाब से फॉर्म भर लेना, तो अपने हिसाब से अच्छे से फॉर्म भर लेना। अब रही बात आपकी टेक्निकल ट्रेडमैन की, तो वो भर्ती भी आपकी क्या है जल्दी ही, मतलब कहने का था CAPF का ही सुन रहे हैं, लेकिन बोल रहा है कि असम राइफल अभी ज़्यादा वो नहीं करेगा, अभी पहले अपना क्या करने वाला है, पहले एक भर्ती है वो अपने हिसाब से करवाएगा, लेकिन ये भर्ती ऐसे करवा दिया तो आगे का कोई आस नहीं देख सकते दोस्तों कि हमारा वैसे हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमें भी उसकी भी तैयारी, रिटर्न या कैसे भी उसकी भी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। इन्होंने तो क्या पूरा जुगाड़ बना के दिया एकदम से, यानी कि सेंटर ये रहेगा, वो क्या नाम फिजिकल होएगा, और आपका जो सिलेबस वगैरह सब कुछ A to Z दे दिया इन्होंने, कोई भी आपको कोई इशू ना आए, ठीक है। तो दोस्तों और आपको बताना चाह रहा हूँ, तो आपका जो ये
फॉर्म भरते हो ना तो अपने हिसाब से सही तरीके से भरना, क्योंकि ये फॉर्म भी रिजेक्ट ना हो जाए, क्योंकि कुछ तो हाथ में लगा तो ये भी ना रिजेक्ट हो जाए। और वैकेंसी आपकी इसमें ज़्यादातर दोस्तों 2500 से 3000 होने की पूरी संभावना है। अभी वैकेंसियाँ बढ़ेंगी, ये वैकेंसियाँ नहीं रहेंगी, मेन चीज़ है आपकी जो वैकेंसियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं इसमें, इसके साथ इतनी वैकेंसियाँ नहीं रहेंगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि वैकेंसी भर्ती भी लेट होनी है ये, और वैकेंसियाँ भी आपकी जल्दी जल्दी मतलब बढ़ जाएंगी भर्ती के टाइम, या कैसे भी यार पीछे का रिकॉर्ड उठा लो सारे भर्ती में जो भी भर्ती हुई उस हिसाब से आपकी क्या वैकेंसियाँ बढ़ी थी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आगे वीडियो में हम चर्चा करते हैं।